आज के इस युग में हर कोई एक दूसरे के लिए अलग अलग तरह के विचार यानी कि थॉट्स रखता है। ऐसे में विचार संक्रमण सिद्धि होने के भी अपने कई फायदे हैं, जैसे कि हम अगले के मन में अपने मनपसंद विचारों को डाल सकते हैं और उससे अपने मनपसंद कार्य भी करवा सकते हैं। विचार संक्रमण सिद्धि से हम बहुत तरह के फायदे उठा सकने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक प्रकार से सम्मोहन शक्ति का ही एक बदला हुआ रूप है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीपैथी के बारे में। जी हाँ, जो आप लोग सुन रहे थे ना, वो टेलीपैथी है। और ये टेलीपैथी कैसे सीख सकते हैं? घर बैठे। सो गाइस, घर बैठे टेलीपैथी कैसे सीखे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी तरह से समझना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। So guys, टेलीपैथी की तरह किसी दूर बैठे व्यक्ति तक हम अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं, यानी आप की सिद्धि सशक्त है। तो यह दूरी कितनी भी हो सकती है, लेकिन आप उससे बातें कर सकते हैं। ये जो थॉट्स चेंज पावर द्वारा जो है, हम अपने विचारों को दूसरों के मन से प्रवाहित करके उससे बिना कुछ कहे आवश्यक कार्य करवा सकते हैं। इस प्रकार के कार्य को विचार संक्रमण कहते हैं। जब हम विचार संक्रमण करने में सक्षम हो जाते हैं तो वह हमारे विचार संक्रमण सिद्ध कहलाती है। मानव में दो प्रकार के मन पाए जाते हैं, एक होता है मन जो जागृत रहता है और दूसरा सक्रिय बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन हमारा कभी भी खाली नहीं रहता है, बल्कि कोई ना कोई विचार हमारे मन में निरंतर चला करते हैं, जिसके कारण हम एक विचार को दृढ़तापूर्वक नहीं स्थायी कर पाते। और मन अस्थिर ना होने के कारण किसी भी व्यक्ति पर हम प्रभाव भी नहीं डाल पाते। जिन लोगों को टेलीपैथी सीखना होता है, उन लोगों को अपने मन को शांत रखना सीखना पड़ता है, और घर बैठे ही ये पॉसिबल हो सकता है। विचार संक्रमण सिद्धि के द्वारा हम दूसरों के ऊपर प्रभाव अच्छी तरह से डाल सकते हैं और उसे अपने विचारों के अनुसार प्रेरित भी कर सकते हैं। हम किसी के मन पर इस तरह के प्रभाव डाल सकते हैं कि वो हमारे कार्य करने के लिए बाधित हो। दूसरों पर प्रभाव हम तभी डाल सकते हैं जब हमारे मन में एक ही विचार केंद्रित हो और पूरी शक्ति, या फिर आप बोल सकते हो आंतरिक ऊर्जा का वेग उस पर प्रभावित करके विचार प्रभावित कर सकते हैं। परंतु हमारा मन सैकड़ों विचारों से घिरा रहता है, तो हम दूसरों को कुछ देना भी चाहते हैं तो नहीं दे पाते, और वो सामान्यतः सामान्य लोगों की तरह हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो है टेलीपैथी अगर आपको सीखना है, तो आपको अपने मन को स्थिर करना होगा और इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप वैसे लोगों को सिलेक्ट करें जो आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो, जिससे आप मेंटली या फिर आप बोल सकते हो मानसिक रूप से आप उससे कनेक्टेड हो, तो आप उसके साथ टेलीपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मन में कुछ बोल कर देखें, वो जो आपके नज़दीक है, जो बिल्कुल ही नज़दीक है मन के, तो वो उस चीज़ को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, इस चीज़ का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, तो आप घर बैठे टेलीपैथी सीख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताना नीचे।